पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लड़का लड़की एक समान, शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वाकई में इसका पालन होता है? तो चलिए आपको दिखाते हैं स्कूल प्रशासन की लापरवाही की कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्वतंत्र भारत के बाद से ही देश की पूर्ण साक्षरता का सपना आज तक अधूरा रह गया। इस सपने को साकार करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिसकी जमीन पर सरकार का यह सपना नहीं पहुंचा, जहां आज भी छात्र छात्राएं निरक्षर, भारत साक्षर मिशन के लाभों और सुविधाओं से अछूते हैं। सूबे में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले सीएम योगी ने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जरूर की, लेकिन प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां योगी सरकार के आदेशों का पलीता लगाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला चंदौली से सामने आया है, जहां बच्चों को दिए जाने वाले सैकड़ों जूते रद्दी में पड़े मिले। फैले हुए जूते, जूतों पर जमी हुई धूल, जूतों को नौनिहालों के पैरों का इंतजार, लेकिन कबाड़ में पड़े सरकार के पैसे और बच्चों के जूते। जहां बच्चों को बांटे जाने वाले सैकड़ों जूते कबाड़ में फेंके हुए मिले, लेकिन ये तो सिर्फ एक जनपद का हाल है। चलिए बुलंदशहर के स्कूल की सैर करते हैं, जहां पढ़ने लिखने की उम्र में छात्राओं के हाथों में झाड़ू थमा दिया गया, जिससे बच्चों के भविष्य में तो अंधकार हो ही रहा है, लेकिन स्कूल के शौचालय चमक रहे हैं। इस स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सपा नेता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट कर शेयर किया है। पढ़ाई के बाद बच्चों की पेट पूजा का इंतजाम भी बाल विकास पुष्टाहार ने किया हुआ है, लेकिन बच्चों को मिलने वाले सोयाबीन तेल से बाजारों में पकोड़े तले जा रहे हैं, बच्चों के खानों से बाजारों में पार्टी हो रही है, जिसकी तस्वीर सीधे देवरिया से सामने आ रही है। उसके ठेले पर इस तेल के आधा दर्जन से अधिक पैकेट देखे गए। बच्चों की पढ़ाई से ही देश का भविष्य है, और अगर उन्हीं बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ होगा तो हमारा समाज आखिर कैसे तरक्की करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।